सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अम्बोली पुलिस को, जो जिन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और मुझसे सारे सबूत लिए, सबूतों की पुष्टि की, जांच पड़ताल की। उसके बाद राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ FIR दर्ज की। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अम्बोली पुलिस को, जिन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ FIR दर्ज की। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। क्रोनोलॉजी यानी वन बाय वन इवेंट्स की जो चेन है वो समझाती हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ गई? एग्जैक्टली, सही जवाब। मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी। कब? 3 नवंबर के दिन, राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। जुहू पुलिस चौकी ने क्या कहा? कहा, सॉरी मैडम, हम ये शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों, तो कहा कि घटनास्थल उनके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है। घटनास्थल क्या है? फिटनेस फर्स्ट, ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने कई इंटरव्यूज़ के दौरान मेरी अश्लील तस्वीरें, वस्त्रहीन अभद्र वीडियोस मीडिया को साझा किए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में दर्शाया। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए कई सारी अभद्र, अश्लील, गंदी, घिनौनी टिप्पणियाँ की। तो मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। उन्होंने कहा आप ओशिवारा पुलिस चौकी जाइए। मैं वहाँ गई, ये देखिए ओशिवारा पुलिस चौकी, शिकायत लेकर मैं वहाँ गई। 7 नवंबर के दिन राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। ओशिवारा पुलिस चौकी ने क्या कहा? कहा सॉरी, हम आपकी शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों? कहा घटनास्थल हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है। मैंने पूछा मैम, जुहू पुलिस चौकी ने भी यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उन्होंने कहा एक काम करो, आप अम्बोली पुलिस चौकी जाओ, क्योंकि ये जो फिटनेस फर्स्ट जिम है ये सब टीवी लेन में है, तो ये अम्बोली ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। मैंने कहा मैम, ये जो अपराध है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, प्रसारित हो चुका है, तो क्या फ़र्क पड़ता है ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ का है, ज्यूरिस्डिक्शन बैठता है कि नहीं बैठता है, आप शिकायत दर्ज कीजिए ना मेरी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर अगर घटनास्थल हो तो ही हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये कानून कहता है, उन्होंने मुझको समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं वहाँ से सीधे गई अम्बोली पुलिस चौकी पर। तारीख देख सकते हैं 7 नवंबर। तो वहाँ पर मैंने ये शिकायत दर्ज की। मैंने कहा सर अब आप तो प्लीज़ मत बोलिए कि यहाँ मेरी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम अम्बोली ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, निश्चित रूप से आता है। प्लीज़ सर, मैं थक चुकी हूँ, दर दर ठोकरें खाकर मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा बेशक आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। उसके बाद मुझको अगले दिन बुलाया, बयान लिया, सबूत मांगे मुझसे। मैंने सारे सबूत सोशल मीडिया में से निकाल कर उनको दिए, उन्होंने उन सबूतों की पुष्टि की। उसके बाद FIR दर्ज किया राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आती है, और वो ट्विस्ट क्या है, 9 नवंबर की रात को अचानक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ FIR दर्ज होती है। कहाँ? ओशिवारा पुलिस चौकी में। मैं परेशान, अरे ये क्या हो गया रातों रात, ये कैसे हो गया?
मेरी समझ के बाहर ही है। जब मैं गई थी वहां पर, ओशिवरा पुलिस चौकी ने क्या कहा, अगर घटना स्थल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो तो हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ये कहा था ना। जब राखी सावंत उसके वकील के साथ गई तो उन्होंने ये बात नहीं रखी उनके सामने, अरे शैलेन चोपड़ा ने आपके बारे में जो कुछ कहा, कहाँ कहा, जुहू में कहा ना, तो जाइए जुहू पुलिस चौकी। ऐसा नहीं बोला ओशिवरा पुलिस चौकी ने, ऐसा नहीं कहा राखी सावंत से या उनकी वकील से। तुरंत बगैर सबूतों की पुष्टि किए फटाफट शैलेन चोपड़ा के खिलाफ आईपीसी 509 की धारा लगा दी। क्यों? क्योंकि वो एक कॉग्निजिबल धारा है। आईपीसी 509 क्या कहता है? अगर कोई इंसान किसी महिला के खिलाफ कोई अभद्र शब्द का प्रयोग करता है या कोई अभद्र हरकत से उस महिला की इज्जत को उछालने की कोशिश करता है तो उस इंसान पर ये धारा लागू होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शैलेन चोपड़ा ने ऐसा क्या बोला राखी सावंत के खिलाफ या ऐसी कौन सी हरकत की, गंजी बोला, अश्लील बोला, घिनौनी बोला, बदजात बोला, बददिमाग बोला, गेंडी बोला, चर्बी की दुकान बोला। अब आप इन शब्दों पर यदि आईपीसी 509 की धारा लगाना चाह रहे हैं तो देश भर के लोगों को बंद करो जेलों में, क्योंकि आए दिन हम सब आम तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अबे ओ गंजी, अबे ओ गेंडी, चल, इस तरह हम बात करते हैं। तो फिर लगाओ, सब पर लगाओ आईपीसी 509 की धारा, सब पर लगाओ। मैं जानना चाहती हूं कि 9 नवंबर की रात को किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर, किस तरह का दबाव बनाया गया था ओशिवरा पुलिस पर, किस तरह का दबाव बनाया गया था, किसका कॉल गया था, मैं जानना चाह रही हूं। रातों रात शिकायत दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्यों इतनी घाय क्यों थी और ऐसी क्या मजबूरी थी, बताइए। क्या मुंबई पुलिस को इस तरह की शरारत करने की इजाजत है? मैं अनुरोध करती हूं हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि तत्काल एक कमेटी बिठाई जाए और वो पता लगाए कि असल में क्या हुआ 9 नवंबर की रात को, किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर, जिस पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे, बगैर सबूतों की पुष्टि किए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उनसे सवाल पूछने चाहिए। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप 10 तारीख की सुबह तक रुक नहीं सके, रातों रात, रात के 12 बजे आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर? ये देखिए, अरे हम जाते हैं पुलिस चौकी पर, हमसे हजार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अच्छा घटना स्थल कहाँ कहाँ है, ये अपराध कहाँ घटी, सबूत है आपके पास, पेश कीजिए, सबूतों की पुष्टि होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। यहाँ पर क्या हुआ, सबूतों की पुष्टि हुई, हो गई, रातों रात शिकायत दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया और धारा लग गई। क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है? क्या ज्यूरिसडिक्शन का नियम केवल शैलेन चोपड़ा पर लागू होता है? अगर नहीं तो फिर 9 नवंबर की रात को ओशिवरा पुलिस चौकी पर मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो क्यों हुई, किसके दबाव के अनुसार हुई, किसके बोलने पर हुई, इन बातों की तहकीकात होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, मैम अगर आप
जो एक सेलिब्रिटी है आपके साथ ये सब हो सकता है, तो जरा सोचिए एक आम इंसान के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। ये है मेरे FIR की कॉपी, आप देख सकते हैं कौन सी धाराएं लगी हैं। तीन कॉग्निजिबल धाराएं हैं, IPC 354A कॉग्निजिबल है, IPC 509 कॉग्निजिबल है, IT एक्ट 67A महाकॉग्निजिबल है। उनके FIR में जो मेरे खिलाफ दर्ज हुई उसमें क्या है? IPC 504, IPC 506, IPC 500, ये तीनों नॉन कॉग्निजिबल हैं। और कॉग्निजिबल धारा बिठाने के लिए जबरदस्ती IPC 509 धारा लगाई गई। मैं कहती हूं इतनी घाई क्यों थी, जरा पुष्टि कर लेते, जांच पड़ताल कर लेते। अगर IPC 509 की धारा मुझ पर लगती है, आप सबके सामने आज मैं शेरलिन चोपड़ा ये कहती हूं कि मैं अरेस्ट होने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये धारा नहीं लगती है तो ओशिवरा पुलिस चौकी बताए मुझे कि क्यों जल्दबाजी में ये FIR दर्ज किया गया मेरे खिलाफ। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या दबाव था उन पर? यहां इतने बड़े बड़े धाराएं हैं, IT एक्ट 67 जो महाकॉग्निजिबल है, हाँ, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंबोली पुलिस पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अंबोली पुलिस ने कहा कि देखिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रहकर हम आपकी मदद करेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आप बोलोगे जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, जल्दी जल्दी करो, ऐसे नहीं चलता है। एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना पड़ता है। और एक और बात मैं आप सबको बता दूं, अंबोली पुलिस ने ये पता लगाया अलीबाग पुलिस को कॉल करके कि क्या शेरलिन चोपड़ा, जैसे राखी सावंत कहती है मीडिया के सामने आकर, कभी किसी वेश्या व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ी गई, हाँ या ना? अलीबाग पुलिस ने इसका जवाब ना में दिया, कहा कि उनके पास ऐसी कोई FIR नहीं है जिसमें शेरलिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि राखी सावंत दुनिया की नंबर वन झूठी है, मीडिया के सामने आकर महिलाओं पर लांछन लगाती है। अरे ये तो वैश्या है, अरे ये तो वो है, अरे ये तो पकड़ी गई रंगे हाथ। अरे ओ पगली जा, अलीबाग पुलिस खुद कह रही है कि उनके पास ऐसा कोई FIR नहीं है जिसमें शेरलिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। अब अगर ऐसी लड़की को मैं गंदी कहूं तो क्या मुझ पर IPC 509 की धारा लगनी चाहिए? कमाल है, मजाक बनाकर रख दिया कानून को। अरे मीडिया को बुला बुला के मेरे वस्त्रहीन फोटोज वीडियोस दिखा रही है, हाँ, शर्म आनी चाहिए एक महिला को सरेआम जलील करते हुए। ये देखो शेरलिन चोपड़ा की असलियत। मेरी असलियत क्या है ये दुनिया जानती है, तेरी असलियत क्या है ये दुनिया जान रही है, जानती है और जान रही है। एक अपॉर्चुनिस्ट है ये, जब जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है उसकी लड़ाई में जबरदस्ती आ जाती है बीच में। क्यों? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। अरे जाकर अपनी लड़ाई लड़ना। अंबोली पुलिस ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द
मुझको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस इशू कर दी गई है। जो FIR राखी जी ने दर्ज कराई है उसके खिलाफ आपने कोई लीगल एक्शन लिया है कुशीवरा पुलिस स्टेशन पर? जो FIR राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 9 नवंबर की रात को ओशिवरा पुलिस चौकी पर दर्ज कराई वो एकदम बेबुनियाद है, गलत है, झूठा है। और इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर से ये गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द एक कमेटी बैठाई जाए जो ये पता लगाए कि कैसे वो FIR दर्ज हुआ रातों रात, किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर, क्या दबाव था ओशिवरा पुलिस पर, क्या मजबूरी थी उनकी। जी, धन्यवाद।